नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे मुठिया लड्डू। तो सेहत का खजाना है ये लड्डू, बहुत ही इजी है बनाना इन्हें, तो आप जल्दी से इन्हें बना सकते हैं और मैं इसे आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इन्हें खाना है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है और इसमें 1/4 कप हम बादाम डाल देते हैं। हल्का सा हमें बादाम का कलर चेंज करना है ताकि इसकी नमी दूर हो जाए, बहुत ही क्रंची हो जाए ये। इस तरह से हम बादाम को भून लेंगे और देखें इनका कलर चेंज हो गया है, तो इनको अब हम निकाल लेते हैं। तो एक प्लेट में हम इन्हें निकाल लेते हैं और काजू को भी इसी तरह से हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इनका भी हल्का सा कलर चेंज कर लेंगे और कलर चेंज होने पर इन्हें भी हम निकाल लेंगे। अब देसी घी डालेंगे हम यहाँ पे 2 चम्मच। तो इन्हें हम सिर्फ 2 चम्मच देसी घी से ही बना लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा कम देसी घी या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे बहुत ही कम देसी घी में लड्डुओं को बनाया है और 20 ग्राम के करीब हमने यहाँ पे गोंद ली है। अगर ये चम्मच से नापें तो 3 छोटे चम्मच है। और धीमी आंच में हम इन्हें भून अच्छे से तल लेंगे। हमने गोंद को अच्छे से कूट के थोड़ा छोटा साइज का कर लिया था ताकि ये अच्छे से अंदर से सिक जाए। बहुत बड़ी रहने पर ये अंदर से सिक नहीं पाती है, तो इस तरह से मैंने इसे छोटा छोटा पहले ही कर लिया था। और ये देखें अच्छे से फूल कर ये सिक गई है, तो इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। और बचे हुए घी में जो बची हुई गोंद है उसे भी डालकर तल लेते हैं। और इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। और किशमिश को भी इसी तरह से हम भून लेते हैं। और थोड़े से हमने यहाँ पे पिस्ता लिए हैं, बहुत ही ताकतदार होते हैं ये पिस्ता, तो इनको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। यहाँ पे मैंने 10 से 12 पिस्ता लिए थे। और इन्हें इस तरह से हम चला चला कर भून लेंगे बचे हुए घी में। और देखें किशमिश हमारी फूल जाएगी पकने पर और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा, तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे। अब गरम है हमारा घी, तो इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच हल्दी डाल देंगे और गैस को हम बंद ही रखेंगे और हल्दी को भून लेंगे, नहीं तो हल्दी हमारी जल जाएगी। तो इस तरह से हम हल्दी को अच्छे से भून लेंगे और इसे ठंडा करने रख देते हैं। और जो मेवे हमने भून कर रखे हैं उन्हें हम चाकू की सहायता से काट लेते हैं। आप इन्हें मिक्सी जार में ग्राइंड भी कर सकते हैं मोटा मोटा, पर मैंने यहाँ पे इन्हें काट के लिया है। तो इसी तरह से हम काजू और बादाम को काटेंगे। काजू काटने के बाद बादाम को भी काट लेंगे। और दोस्तों हेल्थ का ये खजाना है लड्डू। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो वो भी दूर करेगा, चिड़चिड़ापन है तो वो भी दूर करेगा। बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं और साथ में टेस्टी भी हैं। तो हम गुड़ डालेंगे, तो गुड़ बहुत ही फायदेमंद होता है, खून को भी वो बढ़ाता है। और तो सर्दियों में आप इन लड्डू को ज़रूर बनाइएगा। अब मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी ले ली है और गोंद को इस तरह से हम क्रश कर देंगे, हल्का हल्का महीन कर देंगे, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करेंगे। आप चाहें इसे थोड़ा ज़्यादा महीन भी कर सकते हैं, पर मैंने इसे थोड़ा सा इस तरह से दरदरी सी रखी है। और जो मेवे सारे हमने तले थे उनको भी अब इस प्लेट में डाल देते हैं। जो भून के रखे थे उन मेवे को हम चम्मच से एक बार इन्हें मिला देते हैं। अब इन्हें साइड रख देते हैं। और अब हमने यहाँ पे गुड़ ले लिया है, तो आप थोड़ा सा कम ज़्यादा गुड़ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 कप गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो गुड़ को हमने अच्छे से कूट के लिया है, आप कद्दूकस करके भी ले सकते हैं, बस इसमें गुल्ठे नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमें गुड़ को लेना है। तो अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा ज़्यादा या कम आप ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे
तीन चम्मच गरी का बुरादा लिया है। आप सूखा नारियल भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। और गरी के बुरादे को हमने थोड़ा सा डाल दिया है और एक चम्मच के करीब बचा लिया है। दो चम्मच हमने यहाँ पे डाल दिया है और एक चम्मच के करीब बचा लिया है। और जो मेवे रखे थे उनको भी अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। वैसे तो हमने इसे बहुत ही कम घी में बनाया है, आप चाहें तो थोड़ा घी डालना चाहें तो गर्म करके इसमें घी डाल सकते हैं, और नहीं तो इन लड्डुओं को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही जल्दी ये लड्डू ऐसे ही बन जाएंगे। तो मुठिया लड्डू बनाना शुरू करते हैं हम। ये अच्छे से मिल गए हैं और इस तरह से मुट्ठी को बांधते हुए इन्हें बनाना है। इसी तरह से हम बना लेंगे, बहुत ही बढ़िया देखने में लगेंगे। तो जिन लोगों को बहुत ही चिड़चिड़ापन हो या खून की कमी हो तो वो सब होती हो, तो इस लड्डुओं को आपको रोज एक लड्डू खाना है तो इन लड्डुओं को आप इसी तरह से बनाकर रख सकते हैं। अगर बांधना नहीं चाहते हैं तो इसे आप रख कर कटोरी में भी खा सकते हैं। एक डिब्बे में भर कर रख लीजिए और बस एक दो चम्मच इसे खा लीजिए सुबह और शाम। तो इस तरह से हमें इन लड्डुओं को खाना है। तो बन गए हैं हमारे सुपर टेस्टी हेल्दी लड्डू। तो मैंने यहाँ पे मीडियम गरम दूध लिया है एक गिलास। तो इसे हम दूध के साथ लेंगे तो और भी ज़्यादा फायदेमंद है। तो बस हम इसे एक चम्मच या दो चम्मच दूध में मिला लेंगे, जितना मीठा आपको दूध पसंद हो। हल्का मीठा हो तो एक ही चम्मच मिलाएं या फिर दो चम्मच, और इस तरह से पिएं। बहुत ही हेल्दी दूध बनकर तैयार होगा।